हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डीजी लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी के पाठ 7 मैं गांधी बन जाऊंगा अध्ययन करेंगे। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 7 मैं गांधी बन जाऊं। तो देखिए, इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। माँ तुम मुझे खादी की चादर दे दो तो मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, और मैं सभी अपने जितने भी मित्र हैं उन सब के बीच में बैठकर, उन सब के साथ बैठकर रघुपति राघव गाऊं। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, और बोलता है मैं छोटी सी धोती पहनूंगा और खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, और जो घड़ी है उसको अपनी कमर में लटकाऊंगा। सैर सवेरे कराऊंगा, और मैं सुबह सुबह सैर कराऊंगा, सवेरे सवेरे जाकर मैं सैर कराऊंगा। इसके बाद बोलता है वो, मुझे रुई की पोनी दे दे। मुझे क्या एक रुई की पोनी दे दे तो तकली खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो चलिए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। सैर, सैर मतलब क्या होता है? सैर मतलब घूमना। पोनी, पोनी मतलब रुई का गोला। खादी, एक प्रकार का मोटा खद्दर कपड़ा। तकली, जिसके द्वारा रुई का धागा बनाया जाता है। तकली मतलब रुई का धागा हम दाएँ से बनाते हैं तकली के द्वारा। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, बालक खादी की चादर क्यों मांग रहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा, बालक गांधी बनने के लिए खादी की चादर मांग रहा है। बालक खादी की चादर क्यों मांग रहा है? गांधी बनने के लिए। देखो, उसने सबसे पहली लाइन में बोला था माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी से हमें क्या पता चलता है? तो घड़ी से हमें क्या पता चलता है? घड़ी से हमें समय पता चलता है। घड़ी से हमें क्या पता चलता है? घड़ी से हमें समय पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह के समय सैर क्यों करनी चाहिए? तो बताइए, सुबह के समय हमें सैर क्यों करनी चाहिए? हमें स्वस्थ रहने के लिए सुबह के समय सैर करनी चाहिए। सुबह के समय सैर क्यों करनी चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए। अब हम सुबह सैर करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम सुबह हमें शुद्ध हवा मिलेगी, इससे हम बीमार भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता की कोई 4 पंक्तियाँ सुनाइए। तो माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊँ। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊँ। नेक्स्ट, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है, मुझे -पोनी दे दे। तो क्या था, मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो आए समझ, मुझे रुई की पोनी दे दे,
तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं।